दोस्तों, विक्की कौशल एक फेमस नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री में और हम सभी इन्हें इनकी फेमस मूवी उरी की वजह से जानते हैं जो कि सन 2019 में आई थी, पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सन 2012 में ही कर दी थी और ये काफी ज्यादा फेमस अपनी मूवी उरी की वजह से हुए थे। और आज ये बॉलीवुड के फेमस जाने माने एक्टर हैं जिनकी इंडिया में काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग भी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विक्की कौशल के बारे में। तो शुरू करते हैं इनकी बायोग्राफी से। इनका जन्म 16 मई 1988 को मुंबई में हुआ था जो कि महाराष्ट्र में है। और अगर इनके एज की बात करें तो 2021 के हिसाब से इनकी एज है 33 इयर्स। पेशे से ये एक एक्टर हैं और अगर इनके फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो इनकी हाइट है 6 फीट 3 इंच और वेट है 70 kg। अगर इनके स्कूली शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेठ चुन्नी लाल दामोदर दास बर्फी वाला हाई स्कूल से करी है जो कि मुंबई में है। और अगर इनके कॉलेज की बात करें तो वो था राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि मुंबई में है, और उस कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की और बैचलर डिग्री ली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। रिलीजन से ये एक हिंदुइज्म है और इनकी कास्ट है ब्राह्मण। और अगर इनके हॉबीज की बात करें तो इन्हें डांसिंग करना, ट्रैवलिंग करना, रीडिंग करना और जिम जाना काफी ज्यादा पसंद है। विक्की कौशल अपनी फेमस मूवी उरी की वजह से जाने जाते हैं, पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सन 2012 में की थी जब इनकी पहली मूवी लव शवते चिकन खुराना रिलीज हुई थी। पर इस मूवी में इन्होंने एज अ लीड रोल काम नहीं किया था। और इसके बाद सन 2015 में इनकी एज अ लीड रोल वाली मूवी आई जिसका नाम है मसान। और इस मूवी के लिए इनको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया और इन्हें काफी ज्यादा अवार्ड्स भी मिले, जैसे कि इन्हें इस मूवी के लिए जी सिने अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड मिला था बेस्ट मेल डेब्यू के लिए। और जब इनकी उरी मूवी आई तो इसके बाद ये काफी ज्यादा फेमस होने लगे और इन्हें अपनी उरी मूवी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर के बतौर। विक्की कौशल का जन्म एक अमीर फैमिली में नहीं बल्कि मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में हुआ था और इनकी फैमिली रूट्स होशियारपुर से है जो कि पंजाब में पड़ता है। और इनके ग्रैंडफादर और फादर पंजाब में रहा करते थे, पर इनके फादर मुंबई आ गए थे काम के लिए सन 1978 में। और काफी ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद इनके फादर फेमस एक्शन डायरेक्टर बन गए थे बॉलीवुड में और इसके साथ साथ हॉलीवुड में भी। जब इनके फादर के करियर की शुरुआत थी और वो स्टंटमैन थे, तब विक्की कौशल ने अपना बचपन मुंबई के चोल में बिताया था। और बचपन के दिनों में विक्की कौशल डाई हार्ड फैन थे ऋतिक रोशन के। विक्की कौशल को एक्टिंग का शौक बचपन से ही था और बचपन से ही इनमें काफी ज्यादा एक्टिंग स्किल्स भी थी और ये पार्टिसिपेट भी लिया करते थे अपने स्कूल के ड्रामा और स्किट में। और इन्होंने अपने स्कूल के काफी ज्यादा एनुअल फंक्शन भी जीते हैं। अपने टीनेज के दिनों में ये काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट, शर्मीले और दुबले पतले हुआ करते थे। और जब ये अपने सेकंड ईयर के कॉलेज में थे तब इन्होंने काम करने का सोचा और एक इंडस्ट्रियल कंपनी में गए, पर वहाँ जाकर इन्हें पता लगा कि ये 9 to 5 जॉब के लिए नहीं बने। और इसके बाद ये जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए थे पर ये जॉब करने के लिए कभी नहीं गए और इन्होंने अपना एक्टिंग का पैशन ही परस्यू किया। और इसके बाद इन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट गए थे जो कि मुंबई में है। और किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में ये नेगेटिव रोल प्ले किया करते थे और काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगे उस इंस्टीट्यूट में। सन 2013 में इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई जिसका नाम है गीक आउट, और इसी मूवी की वजह से इन्हें अपनी फेमस मूवी जुबान मिली जो कि सन 2016 में आई थी। और सन 2016 से पहले सन 2015 में इनकी मसान मूवी आई जिसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा फेम और रेकग्निशन मिला इंडिया में और इसके साथ साथ अब्रॉड में भी। और अपनी मसान मूवी के लिए इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी थी, जैसे कि मसान मूवी में इन्होंने दीपक कुमार का रोल किया था। और इस मूवी की शूटिंग करने से पहले ये वाराणसी गए थे और इन्होंने अपना 8 किलो वजन भी घटाया था। और इन्होंने मणिकर्णिका घाट में कुछ दिन बिताए थे ताकि ये जान सके कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं और उनकी बोलचाल कैसी है। एक फैक्ट है कि इनकी पहली मूवी जुबान थी, पर सबसे पहले इनकी मसान मूवी रिलीज हुई। और मसान मूवी के लिए पहले राजकुमार राव को चुना गया था, पर उनकी डेट इशू होने की वजह से ये रोल विक्की कौशल को दे दिया गया था। और इनकी जुबान मूवी में एक्शन डायरेक्टर इनके फादर ही थे। अगर इनके फैमिली की बात करें तो इनके फादर का नाम है श्याम कौशल जो कि एक एक्शन डायरेक्टर हैं। इनकी मदर का नाम है वीना कौशल। इनके एक ब्रदर भी हैं जिनका नाम है सनी कौशल। अगर इनके मनी फैक्टर की बात करें तो सोर्स के मुताबिक इनका टोटल नेटवर्थ है 22 करोड़ रुपए। और अगर इनके सैलरी की बात करें तो ये अपनी एक मूवी के लिए 2 से 3 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं।
अगर इनके कार्स कलेक्शन की बात करें तो इनके पास एक मर्सिडीज बेंज GLB कार है जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए। इसके साथ साथ इनके पास एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार है जिसकी कीमत है 40 लाख रुपए। अगर इनके हाउसेस की बात करें तो उसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इतना था इस वीडियो में। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी की वीडियो का लिंक बैक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अपने वो जाकर देख सकते हैं।